हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं नर्सरी से स्पाइडर प्लांट परचेज करके लाया हूँ। तो ये इस ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये ग्रो बैग बहुत ही ठीक भी है और थोड़ा सा इसकी जो रूट्स भी यहाँ से बाहर निकल रही है, ये देखें। तो इसके लिए जगह कम पड़ रही है। अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे ये गमले में। तो ये गमला भी मैं लाया हूँ, ऐसे मैं 5-10 गमले ले आया हूँ। तो ये हम ट्रांसप्लांट करेंगे और ये मैं सिर्फ 50 रुपीज़ में परचेज करके लाया हूँ। तो चलिए इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैंने एक आप कितने भी बड़ा कितना भी बड़ा आप गमला ले सकते हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, या फिर आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। बट इसकी शो तो गमले में ही अच्छी आती है, ज़मीन में ज़्यादा अच्छी नहीं आती। और ज़मीन में ये भी प्रॉब्लम रहती है कि जैसे कि हमें अपना घर डेकोरेट करना है तो हम गमले को कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, पर ज़मीन में ऐसा नहीं होता, वो परमानेंटली उसी जगह पे हो जाता है फिर ज़मीन में। तो खैर उस बात को छोड़ते हैं और अब इसमें हम सॉइल प्रिपरेशन करते हैं। और हम पहले इसमें इसके ड्रेनेज होल में स्टोन्स लगाएंगे। जहाँ जहाँ पे भी ये ड्रेनेज होल हैं वहाँ पे स्टोन्स लगा दीजिए, ताकि जब हम पानी डालें तो पानी के साथ मिट्टी भी बहकर ना जाए। मैंने ड्रेनेज होल पे स्टोन्स लगा दिए हैं। तो अब मैं इसमें ये सॉइल मिक्स डालूँगा। और ये सॉइल मिक्स मैंने लिया है आपको वैसे अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कोई भी नर्सरी प्लांट को, तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, मतलब उसमें कोई कंपोस्ट वम्पोस्ट ना मिला हो, वैसी सॉइल अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है। अदरवाइज़ मेरे पास तो वैसी सॉइल अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी सारी सॉइल में कंपोस्ट मिला हुआ है। तो मेरे इसमें थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट भी मिला हुआ है। तो अगर आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल मिल जाती है तो आप उसी में लगाए, वो बेस्ट होती है। क्योंकि अभी हमें बस प्लांट की ग्रोथ बढ़ानी है, उसको अभी बूस्ट करेंगे तो आपका प्लांट मर भी सकता है या फिर शॉक में भी जा सकता है। तो हम इसमें ये डाल देंगे सॉइल मिक्स अपना। तो इतना काफ़ी है, अभी हम इसको थोड़ा सा लेवल में लाएंगे और इसको कर देंगे साइड। और अब लाएंगे अपना ग्रो बैग, मतलब प्लांट, और उसको ग्रो बैग से बाहर निकालेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, वरना हमें ग्रो बैग को फाड़ना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये फिर ग्रो बैग काम भी आ सकते हैं मेरे। तो हो सके तो ऐसी प्लांट को निकालने की कोशिश करिए। और अगर आपको ऐसे प्लांट निकालना है, अगर आपको ग्रो बैग वेस्ट नहीं करना, काटना नहीं है, तो आप उस प्लांट को 2-3 दिन ऐसे ही रहने दें। अब 2-3 दिन, अब जैसे कि आप नर्सरी से लाए और अभी उसे 2-3 दिन ऐसे ही रहने दें और बिना पानी के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, बिना पानी के आप उसे रहने दें। जब उसकी मिट्टी सूख जाए तो वो आसानी से ग्रो बैग से बाहर आ जाता है। थोड़ा सा ये बाहर तो आ गया है, मेरे ख्याल से अभी आ जाना चाहिए। आगे इसका रूट बॉल बाहर, बिना ग्रो बैग को कट किए, पर थोड़ी सी रूट्स इसकी रह गई यहाँ पे। इतनी रूट्स से कुछ नहीं होता, इतना चलता है, पर हमारा ग्रो बैग बच गया। और अब हम इसको डायरेक्टली
थोड़ी सी मिट्टी अगर आप निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। चलिए निकाल ही देते थोड़ी सी। और देखिए ये पूरी चिकनी मिट्टी होती है, क्ले सॉइल होती है ये पूरी। नर्सरी वाले ज़्यादा इनमें ऐड वैड कुछ करते नहीं है, क्योंकि उनको कम से कम बजट में ये काम करना पड़ता है। तो अब हम इसको ऊपर से और सॉइल डाल देंगे। तो मैंने इसे ट्रांसप्लांट कर दिया है इस गमले में। थोड़ा सा मिट्टी को पुश कर देंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे और अब देंगे इसे पानी। पानी आपको एक बार ही अच्छे से इसे दे देना है बस। और अब हम इसका वेट करेंगे कब इसकी ग्रोथ शुरू होगी। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसकी अपडेट में आपको अगर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और ये हमारा अच्छे से उग जाता है तो मैं इसकी अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और हाँ, अभी इसको सेमी शेडेड एरिया में ही रखना है, अभी तेज़ धूप हो रही है तो इसको आप सेमी शेडेड एरिया में रखें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।